वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। ये एक मदरबोर्ड आया था जिसमें प्रॉब्लम थी ऑन नहीं होने की और ऑन होकर डिस्प्ले नहीं देने की। दो तीन प्रॉब्लम्स थी इसमें जिसको हमने ट्रेस किया। ये वाया का मदरबोर्ड था और ये मैक्सट्रॉन का मदरबोर्ड है। और इस पर आप आइए देखिए, ये डिस्प्ले आ चुका है। ये हमारा पूरा, हमने इस पर काम किया। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आइए चलते हैं, इसको हम देखते हैं कैमरे उसमें माइक्रोस्कोप में ले चलते हैं। इसको मैंने बंद किया, चलो लेके चलो। आइए इसमें हम आपको सारा चीज़ बताते हैं, क्या क्या हमने किया इसमें, क्या क्या प्रॉब्लमें थी। पकड़ो इसको, इस मदरबोर्ड में जो प्रॉब्लम है। कैमरा चालू है, इसको दिखा, सिर्फ इसको। इसमें देखिए आप प्रॉब्लम क्या थी। सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ थी जो इस मदरबोर्ड में, अरे आवाज़ बंद कर लो भाई, लाइव वीडियो में बात मत किया करो, लाइट जलाना। अब यहाँ पर देखिए आप, इसमें ये स्लॉट इसके जले हुए थे, ये इस तरह से पूरा जला हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज़, ये ऑन नहीं हो रहा था बारिश के कारण, अक्सर अब ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये नॉर्थ और साउथ ब्रिज वाला मदरबोर्ड था, तो साउथ ब्रिज को हमने हीट किया। इसके अलावा देखिए इस पे जो क्रिस्टल है, आप देखें, क्रिस्टल दिखाओ, बस ये क्रिस्टल भी देखिए, ठीक है। ये इस क्रिस्टल को बेसिकली अभी हमें चेंज भी करना है। बाकी इसकी एक लेग निकली हुई थी जिसको हमने लगाया, तो ये प्रॉपर हो गया, चल रहा है। तो देखते हैं इसको, अभी थोड़ी देर चला के देखेंगे। इसके अलावा इसमें ये रैम स्लॉट जो थे वो जले हुए थे, और इस साउथ ब्रिज को हमने हिट किया है। नॉर्थ और साउथ ब्रिज डबल ब्रिज का मदरबोर्ड है, वाया का मदरबोर्ड है। और ये बेसिकली इसके बाद इसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम लगभग क्या हुई, सॉल्व हुई। इसके अलावा इसमें दो कंडेंसर भी ख़राब थे जिसको हमने आज चेंज किया, बदला ना इनको। ये कंडेंसर प्रॉब्लम, यहाँ की प्रॉब्लम, इसके अलावा इसको हीट करना। तो लगभग ये इस समय बरसात में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें की प्रॉब्लम आती है। एक मदरबोर्ड 10 से 15 मिनट में रिपेयर हो जाता है। इसके बाद जो लैपटॉप आएंगे, तो लैपटॉप की सीरीज़ में, लैपटॉप में भी हम सारी चीज़ें डालेंगे जो रोज़ लैपटॉप रिपेयर होंगे। तो ये होता है नॉर्मल मदरबोर्ड। सबसे पहले कोई भी मदरबोर्ड आता है तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है वो चीज़ आपको ध्यान पता होना चाहिए, कैसे चलना है, क्या सारी चीज़ें होती। सबसे पहले आप बायोस बैटरी को चेक कर लें। बायोस बैटरी के बाद अगर मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा तो शॉर्टिंग चेक करें सारी, 12 वोल्ट की चेक करें। इसके अलावा भी फिर ऑन नहीं हो रहा तो 5 वोल्ट 3 वोल्ट को चेक कर लें। इसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा तो एक क्रिस्टल को एक बार चेक करें। इसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा है, क्रिस्टल प्रॉपर इससे भी ऑन नहीं हो रहा, तो साउथ ब्रिज का अगर डबल ब्रिज का मदरबोर्ड है तो इस पर एक बार पेस्ट लगाकर हीट मारें। 100 में से 70-80 बार प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा है, फिर आपको एक बार रूम को क्या करना होता है, फ्लैश करके देखना होता है। रूम फ्लैशिंग के बाद फिर क्या होती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसके अलावा ये जो पुराने मदरबोर्ड्स आते हैं इनमें देखिए इस तरह से क्या होता है, जब ऊपर इतना कचरा दिख रहा है तो अक्सर इनके जो अंदर सीपीयू के पिंस होते हैं उसमें भी क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको भी आप देख लें। इसके अलावा कंडेंसर्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फूले फटे मिलते हैं, इनको आप क्या करें, चेंज करें। कभी कभी क्या होता है, एम्पियर मीटर ज़रूर यूज़ करें, एम्पियर मीटर ज़रूर ले लें। तो बोल्ट तो ठीक है, एम्पियर भी आपको क्या होना चाहिए, चेक करना आना चाहिए। बोल्ट प्रॉपर होता, कई बार इसमें एम्पियर प्रॉपर नहीं पहुंच रहा होता, तो ये जो वीआरएम सेक्शन के फिल्टर्स हैं इनको चेंज करना होता है। रैम के सारे वोल्टेजेस, कोर वोल्ट, वीटीटी वोल्ट, इसके अलावा एसपीडी वोल्टेज, इसके अलावा रैम का एसपीडी वोल्ट, वीटीटी सीपीयू का वोल्टेज चेक करें। जो आपकी नॉर्थ ब्रिज है उसमें रैम के वोल्टेज, वीटीटी के वोल्टेज, ग्राफिक्स के तीनों वोल्ट चेक करें। अगर ये शॉर्ट है, अगर साउथ ब्रिज शॉर्ट है, या आप मदरबोर्ड लगा रहे हैं मतलब पावर दे रहे हैं और एकदम से मशीन मदरबोर्ड गर्म होने लग रहा है, तो समझ जाएं प्रॉब्लम मदरबोर्ड में कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसके अलावा इसको एक बार अच्छे से वॉश कर लें, साफ़ कर लें और इसको प्रॉपर एक हीट दें, तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ज़्यादातर सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी जो वीआरएम सेक्शन है इसमें शॉर्टिंग आती है, इनपुट शॉर्टिंग, आउटपुट शॉर्टिंग, इसके अलावा सर्किट शॉर्ट, कंप्लीट शॉर्ट, तो इसको देखें। रैम सर्किट ख़राब हो सकता है। इसके अलावा इसमें देखिए, ये आपका बेसिकली वीटीटी सेक्शन था, तो इसमें एक मॉस्फेट ख़राब था, उसको भी हमने निकाल दिया और एक ही से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें होती है। कुछ बोलेंगे कि मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है, मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है, कमेंट करें जो भी, तो सोच समझ के करें। हमने
चार मॉसफेट में ही मदरबोर्ड चलाए हुए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, होशियारी ना करें कमेंट करके, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप ध्यान रखें, मुझे मालूम है कि क्या चीज़ चलनी है और क्या चीज़ नहीं चलनी। बिल्कुल सही है कि अगर मॉसफेट मिलता है तो आप लगा दीजिए, नहीं है तो आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा रैम की चीज़ें हैं उनको भी आप देख लें, सीपीयू सॉकेट को साफ़ कर लें, रैम स्लॉट जैसे जला हुआ तो इसको छोड़ दें। इसके अलावा इसको आप एक बार अच्छे से गहराई से चेक करेंगे कि इसकी पिनें तो आपस में जुड़ी नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा इसमें जो बाकी चीज़ें हैं, इसको ये जैसे कभी कभी कनेक्टर, जैसे यहाँ पर देखिए आप, इसमें जो लैन पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है, इनको निकालते लगाते समय लोग कई बार डैमेज कर देते हैं, तो ये भी आपस में टच हो जाते हैं, जिस कारण भी मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा या ऑन होकर डिस्प्ले तुरंत बंद हो जाएगा। इसके अलावा सीपीयू के फैन के जो कनेक्टर्स हैं उसको देख लें, उसको चेक कर लें। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें मदरबोर्ड में आपको स्टेप बाय स्टेप करनी होती ही होता है नॉर्मल लेवल। इसके बाद स्कीमेटिक लेवल पर आपको सारे वीआरएम आईसी के पिन डिटेल्स का पूरा देखना होता है, आईओ का पिन डिटेल पूरा, ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा स्कीमेटिक। स्कीमेटिक लेवल का ही मदरबोर्ड पे बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा जिससे पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये मदरबोर्ड की सीरीज चल रही है नॉर्थ साउथ का, पीसीएच का, इसके अलावा एसओसी के मदरबोर्ड की भी सारा आपको मैं क्लियर कराऊंगा। तो ये था वीडियो। किसी भी तरह के क्लासेस के लिए मुझे कॉल करें, भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में चिप लेवल रिपेयरिंग लैपटॉप पे हम करा रहे हैं। इसके अलावा मदरबोर्ड, लैपटॉप, एसएमपीएस, प्रिंटर, मोबाइल रिपेयरिंग, एलसीडी, एलईडी, इसके अलावा जो आपका डीजे का काम है, वो जो भी आप सीखना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नेटवर्किंग में एडवांस नेटवर्किंग, सीसीएनए, सीसीएनपी, किसी भी इंस्टीट्यूशन में एमसीए, सीसीएनए, सीसीएनपी, लाइनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, सारी चीज़ें करवा सकने वाले फैकल्टीज़ अवेलेबल बहुत कम होते हैं। तो उस तरह से ध्यान रखिए कि कोई चीज़ आप कहाँ सीख रहे हैं उस पर ध्यान रखें, कहीं भी जाएं ध्यान रखें। कुछ इंस्टीट्यूशन वाले सिर्फ हमारी बुराई करते हैं तो उस पर भी ध्यान रखें कि क्यों बुराई कर रहे हैं वो हमारी। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूशन के बच्चे अगर उनको, मतलब उनको फ़ोन करते हैं यहाँ से, अपने उनको लेने तक जाते हैं और फिर अपने इंस्टीट्यूट में लेके जाते हैं कि भैया पढ़ के देखो, उसके बाद भी बच्चा वहाँ नहीं जा रहा है, तो कोई ना कोई दिक्कत होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम है उन्हें हमसे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ तो कर रहे होंगे जिस वजह से वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो आप कोर्सेज के लिए हमें कॉल करें। इसके अलावा कहीं भी जाएं तो अपना मोबाइल अपने पास रखें, किसी को ना दें। कुछ इंस्टीट्यूशन वाले रिव्यूज़ बढ़ा रहे हैं तो उसको ध्यान रखें और बोलेंगे हमारे इतने रिव्यू देखिए आप। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि किस तरह से होता है। सामने प्रैक्टिकल एक एक चीज़ का कराऊंगा। मोबाइल रिपेयरिंग में एडवांस लेवल की फ़ीस हमने 24,800 करी हुई है। तो एडवांस लेवल पर आपका 1.5 महीने, 1 महीने, 2 महीने का कोर्स होता है, उसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं। 60,000, 70,000 कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे को, आप पैसे की अहमियत को समझें, वो पैसा अपना दुकान डालने में खर्च करें, आप एक अच्छे लेवल पर बढ़िया काम करें जिस भी क्षेत्र में। इसके अलावा जो फ्रिज एसी का कोर्स है, बहुत इंस्टीट्यूशन वाले करा रहे हैं, चिप लेवल पर सिर्फ हम लोग करा रहे हैं, उसकी फ़ीस है 52,800 रुपये। 3 महीने का कोर्स होता है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठेंगे, रोज़ के 4-5 हज़ार रुपये कहीं नहीं जाते उस लेवल का अगर आप कोर्स करते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग वाले उसमें बहुत कम लोग हैं। तो एक्चुअल रिपेयरिंग क्या होती है, स्कीमेटिक क्या होता है, कुछ लोग स्कीमेटिक को स्कीमेटिक कहते हैं, इस पर प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं आता, प्रैक्टिकल को प्रेडिकल लिखते हैं। तो देखिए, ध्यान से समझिए वीडियो, उससे क्वालिटी आपको समझ में आएगी कि कौन क्या है और क्या लेवल है। को प्रैक्टिकल कहना नहीं आ रहा, प्रेडिकल लिख रहे हैं, और स्कीमेटिक बोलना नहीं आ रहा, स्कीमेटिक कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवानी मालिक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।